Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बल्कि ये जो टॉपिक है ये उन लोगों को भी बेनिफिट करेगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस फील्ड में और क्या क्या स्कोप है और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि किसी भी फील्ड में स्कोप देख के कभी मत जाना। जी हाँ, कभी भी किसी फील्ड को स्कोप से जज ना करें। उसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि अभी तक बचपन से मेरे को भी बताया जा रहा था कि बीटेक में बहुत स्कोप है, लेकिन अगर मैं आज की सिचुएशन में देखूं, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कोविड पीरियड, लेकिन कोविड से पहले भी बीटेक में आप लोगों को पता ही है करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी कम हो चुकी थी और इतनी ज्यादा भीड़ ऑलरेडी वहां पे जा चुकी थी। सो पर्सनली मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि हमेशा स्कोप हमें खुद बनाना होता है करियर में, एंड ऑलवेज गो फॉर दैट फील्ड। हमेशा उस फील्ड के लिए जाओ सबसे पहले जो चीज तुम एंजॉय कर पा रहे हो, सेकंड थिंग जहां पे ज्यादा भीड़ नहीं है, बिकॉज जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ नहीं होती वहां पे एक्चुअली सबसे ज्यादा स्कोप होता है। लेकिन एक चीज है जिसपे मैं भी एग्री करता हूँ, जो कि है कि नो डाउट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप ये सारा सेटअप देख रहे हैं ये भी पैसे से ही बना है, इसके लिए पैसा कमाना ही पड़ा था। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है रियलाइज करने के लिए, और वो ये है कि पैसा कमाने के लिए सिंपली आपको सिर्फ एक चीज में अच्छा होना है। आपको और कुछ भी नहीं करना, आपको ना चालाकी करनी है ना आपको बिजनेस करना है, आपको कोई भी एक स्किल पकड़नी है, कोई भी एक चीज पकड़नी है और उसमें एक्सीलेंट होना है। जैसे कि थ्री इडियट्स में बोलते हैं ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो सक्सेस झक मार के आएगी, तो बस वैसा ही कुछ होता है इन आर्टिस्टिक फील्ड्स में कि जितना ज्यादा आप अपनी स्किल को पॉलिश करो उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अभी तक इंडस्ट्री में कोई भी मिक्सिंग मास्टरिंग का फिक्स रेट नहीं है। कोई भी क्लाइंट आपके पास आके ये नहीं बोलेगा कि 500 रुपए चल रहा है रेट या 1000 रुपए चल रहा है तो तुम इतना क्यों चार्ज कर रहे हो। जो भी आप गाने का आउटपुट दे रहे हो, जो भी आप उस पे प्रोसेसिंग कर रहे हो, उस पे आपकी वैल्यू डिपेंड करती है, चाहे वो 500 रुपए हो या वो 5 लाख रुपए हो। और बॉय, जो लोग गुंडागर्दी करके अमीर होते हैं उनको क्या? देख भाई, बात तो तेरी एकदम सही है, लेकिन जो गुंडागर्दी है उसको करने के लिए भी नो डाउट कुछ ना कुछ स्किल चाहिए होती है। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग एग्री करेंगे कि गुंडागर्दी करके पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन आप उसको किसी को जब बता ही नहीं सकते, ना ही आपकी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, तो उसका क्या फायदा। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि किस तरीके से आपको पैसे कमाने हैं, किस तरह से आपको काम करना है, क्या आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना है, लॉन्ग टर्म सक्सेस देखनी है, या आपको एक शॉर्टकट अपनाना है जिसकी कोई गारंटी नहीं है प्लस काफी सारे रिस्क है उसमें। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग दो तरह के स्कोप्स की बात करेंगे। पहला होगा टेक्निकल स्कोप, जो कि साउंड इंजीनियरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन का है, और जो सेकंड स्कोप होगा वो होगा आर्टिस्टिक स्कोप। तो आई एम प्रीटी श्योर काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि टेक्निकल चीज कहां से आ गई, जबकि एक आर्ट वाला फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड है। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक डबिंग इंजीनियर की, एक डबिंग इंजीनियर जिसका काम होता है डायलॉग्स डब करना, उसका ये काम होता है कि वो स्टूडियो में बैठा होता है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस आ रहे होते हैं, उनको उसको प्रॉपर क्यू देना है, उनके डायलॉग्स को रिकॉर्ड करना है, कट करना है, एडिट करना है और वापस रिकॉर्ड करना है, यही प्रोसीजर रिपीट होता रहता है। तो एटलीस्ट मेरे जैसे इंसान को वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्योंकि मैं स्टैग्नेंट नहीं होना चाहता किसी जगह पे। वेयरएज अगर मैं गाने मिक्स मास्टर करता हूं तो मुझे एक एक्साइटमेंट हर प्रोजेक्ट के लिए रहती है, बिकॉज हर गाने में कुछ ना कुछ नया होता है, हर गाने में कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होता है। तो ऐसे ही मैं अभी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज या करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा, जॉब प्रोफाइल्स की बात करूंगा इस फील्ड के, जो कि दोनों टेक्निकल और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट कवर करते हैं, ताकि आप लोग एनालाइज कर पाओ कि आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में बैठता है और आप उसके बारे में और पढ़ सको। तो अगर हम सबसे पहली जॉब प्रोफाइल की बात करें तो वो होती है स्टूडियो कम लोकेशन रिकॉर्डिस्ट। तो इन दोनों में क्या फर्क है? एक स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट का काम है कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री, एक पर्टिकुलर कमरे में, एक पर्टिकुलर स्टूडियो में कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, बी एट एनी इंस्ट्रूमेंट, बी एट वोकल्स, बी एट एनी थिंग। वेराज एक लोकेशन रिकॉर्डिस्ट जो होता है उसके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है चीजें, ये ट्रिकी भी हो जाती है। वो कैसे? हर लोकेशन का अपना एक अलग साउंड होता है, तो वहां पे उसको अपने कानों का, अपने एक्सपीरियंस का यूज करके रिकॉर्डिंग करनी है एंड मेक श्योर करना है कि कम से कम वो एक्स्ट्रा नॉइस, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज कैप्चर करे और काम की साउंड को कैप्चर कर पाए। तो आपका जो स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट होता है मोस्टली वो म्यूजिकल काम करता है, मोस्टली म्यूजिकल कामों से जुड़ा होता है। वेयरएज एक लोकेशन रिकॉर्डिस्ट जो होता है उसको नॉट जस्ट म्यूजिक वीडियोस देखने होते हैं, बल्कि वो इवन इंटरव्यूज, नॉर्मल वीडियोस हो गए, आपके जो भी आउटडोर शूट्स होते हैं, आउटडोर डायलॉग्स होते हैं, मे बी एक टीवी सीरीज हो गए, एक शॉर्ट मूवी हो गए, उसको उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। अब अगर हम अगली जॉब प्रोफाइल की बात करें तो वो है अकूस्टिक कंसल्टेंट या फिर स्टूडियो डिजाइनर। तो दोनों का क्या फायदा है, दोनों में क्या होता है? बेसिकली एक अकूस्टिक कंसल्टेंट जो होता है वो आपके रूम को एनालाइज करता है और देखता है कि आपके कमरे के हिसाब से इसमें किस टाइप का मटेरियल लगना चाहिए, कहां कहां पे लगना चाहिए, उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, बेसिकली आपके रूम को अकूस्टिकली कैसे ट्रीट करना है परफेक्ट वे में। और सेम वे एक स्टूडियो डिजाइनर का भी यही काम है, जस्ट दैट स्टूडियो डिजाइनर जो है वो आपके इंटीरियर्स पे भी फोकस करता है। तभी आई एम प्रीटी श्योर आप लोग देखते होंगे कि काफी सारे प्रोफेशनल स्टूडियोज हैं वो इतने सुंदर भी लगते हैं, येट उनकी अकूस्टिक ट्रीटमेंट भी अप टू द मार्क है कि बड़े बड़े मिक्स इंजीनियर्स या मैं कहूंगा ऑडियो इंजीनियर्स
उस रूम में बैठ के अपना काम भी कर पाते हैं। अगले स्कोप की अगर हम बात करें तो वो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियर। तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियर का क्या काम है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियर बेसिकली देखता है कि आपके जो टीवी पे, आपके जो रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपकी जो भी क्वालिटी है वो इंटैक्ट है, जो ऑडियंस तक डिलीवर हो पा रहा है कंटेंट वो अपनी बेस्ट क्वालिटी में डिलीवर हो पा रहा है। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे कि आप लोग आजकल आईपीएल की मूवीज आईपीएल के मैचेस तो देखते ही होंगे, तो वो जो भी आप क्वालिटी सुनते हैं उसके पीछे सारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स का काम है कि कैसे वो कैप्चर कर रहे हैं ऑन स्क्रीन साउंड, कैसे वो टॉस होते वक्त कमेंटेटर की साउंड कैप्चर कर रहे हैं और आप तक डिलीवर कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगले अगर हम स्कोप की बात करें, अगली जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो वो काफी फेमस है इस वक्त और वो है लाइव साउंड इंजीनियर। तो एक लाइव साउंड इंजीनियर का वही काम है जो कि एक स्टूडियो इंजीनियर का होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि उसको फटाफट करनी होती है अपनी चीजें। प्लस मैं यही कहूंगा कि एक स्टूडियो के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रिसीजन कम होता है, लेकिन अगेन एक लाइव साउंड इंजीनियर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लाइव शो में। जो भी आप कॉन्सर्ट साउंड अटेंड करते हैं, अगेन उसको भी हैंडल करने वाला एक इंसान है या एक टीम होती है जो कि कंसोल पे मिक्स कर रही होती है लेवल्स जो कि ऑडियंस को डिलीवर होते हैं थ्रू द पीएस। एंड नॉट जस्ट दैट, जो भी आर्टिस्ट को अपनी साउंड है वो सुनाई दे, जो ऑन स्टेज मॉनिटर्स हैं उनको कैसे ट्यून करना है, आर्टिस्ट को अपनी मॉनिटरिंग कैसे देनी है प्रॉपरली, ये सारा काम लाइव साउंड इंजीनियर का होता है। यहीं पे अगली अपॉर्चुनिटी जो है वो है असिस्ट करना एक किसी भी अच्छे इंजीनियर को, अच्छे प्रोड्यूसर को, या फिर कह सकते हैं एक मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर बनना, मिक्सिंग मास्टरिंग के इंचार्ज होना एक पर्टिकुलर स्टूडियो में। तो वहां पे आप लोगों को पता ही है मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होता है, ऑलमोस्ट 99% कंटेंट इस चैनल पे उसी से ही रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं ऑडियो प्रोग्रामर्स। तो ऑडियो प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो आपकी वीडियो गेम्स, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह वगैरह में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो स्किल्स होनी जरूरी है, एक है म्यूजिक प्रोग्रामिंग, आपको म्यूजिक प्रोग्राम करना आना चाहिए, एंड सेकंड चीज जो है दैट इज साउंड डिजाइन, आपको साउंड डिजाइन करनी आनी चाहिए। दैट इज हाउ यू नो यू कैन गिव अ यूनिक थीम साउंड, आप एक यूनिक साउंड यूनिक थीम दे सकते हैं एक वीडियो गेम को या एक एडवर्टाइजमेंट को। इसके बाद अगली जॉब प्रोफाइल जो है दैट इज डीजेस एंड रीमिक्सर्स। तो एक डीजे का काम आपको पता ही है कि लाइव परफॉर्म करना, और रीमिक्सर्स जो है वो नॉट जस्ट लाइव रीमिक्स करते हैं बल्कि स्टूडियो रीमिक्सर भी आते हैं जो कि स्टूडियोज में बनाते हैं अपने गानों को और फिर शोज में जाके उनको प्लेबैक करते हैं। इसके बाद अगर हम अगली करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने देखा होगा कि लेटेस्ट नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेटेस्ट नई नई चीजें इन्वेंट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनका फाउंडर तो आएगा नहीं जो अपने कलीग्स को समझाएगा या क्लाइंट्स को समझाएगा कि ये ऐसे काम करता है। तो बेसिकली कह सकते हैं एक ट्रेनी होना जो कि अपने क्लाइंट्स को बताता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, जो बेसिकली अच्छे से जानता है अपने प्रोडक्ट की टेक्निकलिटीज ताकि वो अपने कलीग्स की मदद कर पाए, ताकि वो क्लाइंट को समझा पाए कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। दैट इज समथिंग जो एक प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेटिव करता है। और इसके बाद अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो वो है फिल्म स्कोरिंग या बैकग्राउंड स्कोरिंग। तो इसको समझने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगली बार कोई भी मूवी देखें या टीवी सीरीज देखें, इमेजिन कीजिएगा कि आपको सिर्फ डायलॉग सुनाई दे रहे हैं और उसके अलावा कोई भी म्यूजिकल साउंड, कोई भी म्यूजिकल इफेक्ट जो है वो म्यूट हो गया, वो आपको नहीं सुनाई दे रहा। तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि उस बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कितनी ज्यादा और फील आ गई, कितनी रिदम पैदा हो गई उस सीन में। सो अगेन आपकी फिल्म इंडस्ट्री, आपकी एडवर्टाइजमेंट, हर जगह पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लोग इस वीडियो में भी देख सकते हैं पीछे मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक जान पूछ के रखता हूँ ताकि एक कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ एक्साइटमेंट रहे, फैक्टर रहे कि हम लोग जुड़े हुए हैं लिसनर से, हम लोग सुन रहे हैं उसकी बात, येट माइंड में एक ग्रूव है जो चल रहा है जो आपको कभी बोर नहीं होने देगा। तो गाइस इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो है मेरी खुद की स्टोरी। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बोली, जो सारी शेयर की, ये डेफिनेटली नेट पे भी अवेलेबल होंगी, लेकिन एक मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज मैं उसमें शेयर करूंगा कि मेरी छोटी मोटी गलतियां क्या थी या मैंने कैसे चीजों को अप्रोच किया जो मुझे इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली। और जहां पे भी मैं इस वक्त हूं अपनी लाइफ में, मैं आप लोगों को ट्रस्ट में गारंटी दे सकता हूं कि आज से एक या दो साल पहले मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मैं इस स्टेज पे होऊंगा अपनी लाइफ के, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। इसीलिए मैंने सोचा कि शॉर्ट में अपनी जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं इस वीडियो के थ्रू। तो बेसिकली मैंने एक डेढ़ साल तक एक म्यूजिक स्टूडियो में काम किया जस्ट बिकॉज वहां पे मुझे खूब सारा एक्सपीरियंस मिला। और वो जो एक्सपीरियंस है वो नॉट जस्ट आपकी नेटवर्किंग तक सीमित था, नेटवर्क नो डाउट बहुत अच्छा बनाया मैंने, मेरी क्लाइंट हैंडलिंग बहुत अच्छी हुई, क्लाइंट्स के साथ डील करना मैंने सीखा कि कैसे बजट बनाना है, कैसे उनके साथ डील्स करनी है, कैसे उनको ऑफर करनी है चीजें। एंड नॉट जस्ट दैट, मैंने स्टूडियो एथिक्स के बारे में काफी कुछ सीखा कि अपने माइक्रोफोन्स को कैसे मेंटेन करके रखना है, केबलिंग प्रॉपर कैसे की जाती है, केबल करने का क्या प्रॉपर तरीका है, बेसिकली जो भी कॉस्टली गियर होता है एक स्टूडियो में उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद एक डेढ़ साल के बाद मैंने अपना म्यूजिक स्टूडियो का अकेडमी खोला एंड धीरे धीरे मैं टीचिंग साइड पे चला गया बिकॉज आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि मुझे शायद ही एक गाने को मिक्स मास्टर करके एक क्लाइंट का म्यूजिक बना के उतना मजा आता है जितना किसी के साथ नॉलेज बांट के आता है, जितना किसी के साथ कुछ शेयर करके आता है। तो इसी रीजन की वजह से मैं टीचिंग साइड पे आ गया एंड बाय गॉड्स ग्रेस और आप सब लोगों के सपोर्ट की मदद से आज इतने सारे लोग हैं जो ज्वाइन करते
हैं मेरी अकेडमी को जो उसको प्रेफर करते हैं, आप लोग गूगल पे रीडिंग्स भी देख सकते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज लिख के जाते हैं गूगल पे कोर्स करने के बाद कि मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। दैट इज द रीजन मैं इस सेक्टर में आया, मैं टीचिंग में आया और मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूंगा आगे। बट एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, एक चीज जो मैंने उस ट्रांजिशन में सीखी जैसे ही मैं जॉब से इंडिपेंडेंट हुआ, वो ये थी कि जब मैं जॉब करता था वहां पे मैं म्यूजिक भी बनाता था, रिकॉर्डिंग भी करता था, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करता था एंड नॉट जस्ट दैट वीडियो शूट्स भी करता था। लेकिन वंस आई ड्रॉप्ड आउट, वंस मैंने वो जॉब छोड़ी, तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस कर लिया कि अब मैं 10 काम नहीं करूंगा, रादर मैं एक काम करूंगा और उसी पे ही फोकस करूंगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप 10 चीजें एक साथ करते हो तो आप अपना 100% किसी भी एक चीज में नहीं डाल पाते, जिस रीजन की वजह से आप किसी भी फील्ड में बेस्ट नहीं हो पाते, आप सब में एवरेज ही होते हो। वेयरएज अगर आप अपना 100% एक चीज में डाल दो तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन एश्योर यू कि आप उसमें इतना ग्रो कर जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं म्यूजिक प्रोडक्शन की, तो अगर आप 6 महीने सिर्फ म्यूजिक प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप लोग सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उन 6 महीने, दिन रात आपके दिमाग में म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड ही थॉट्स आ रहे हैं, तो ट्रस्ट मी 6 महीने डेडिकेटेड काम करने के बाद आप लिटरली 5 साल अपने करियर में आगे पहुंच जाएंगे। ये चीज मैंने रियलाइज किया लास्ट 1 साल में, बिकॉज अगेन मैं आप लोगों को यही चीज बताऊंगा कि आज जो भी चीजें हैं, आज जो भी सिचुएशन है, वो सब चीजें नहीं हो पाती अगर मैं लास्ट ईयर नहीं सोचता कि मुझे वो जॉब छोड़नी है और मुझे अब ऑडियो रिलेटेड चीजों पे ही ध्यान देना है। तो इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 10 चीजें जानने से कुछ नहीं होता अगर आप सब में एवरेज हैं। रादर देन दैट एक चीज पे फोकस करो और उसको ऐसे करो जैसे और कोई नहीं कर रहा। सही बोल रहा है भाई, मैं भी अब से एक ही चीज पे फोकस करूंगा। क्या बात है, लेकिन किस चीज पे? गुंडागर्दी है। ऐसा क्यों? वो एक इंसान को मैं शराफत से समझा समझा के थक चुका हूँ, लेकिन वो मेरे पैसे ही नहीं दे रहा।